हमारे यहाँ भारत में अपने बच्चे को इसी समय बर्बाद कर देती है, यही लड़कवा बुढ़ापा में उसको लात मारेगा, अपने पेट से ही बर्बाद करते जा रही है। इतना अहमियत रख दे कि वो दहल जाए बोलने से पहले, रे बाप रे बाप ही तो आ... हमारे यहाँ भारत में आज के समय में ना जितना ही बिना दिमाग की महिलाएं हैं सब ना, वो अपने बच्चे को इसी समय बर्बाद कर देती हैं सर। वो खाना जोंची खा ले, कुछ तुर दे, मेहमान आए तो लौटा जाए, ई कर दे, कोई मतलब नहीं है। हाँ बाबू खेल रहा है, बाबू खेल रहा है, यही लड़कवा बुढ़ापा में उसको लात मारेगा। ई बताओ, बचपन में नहीं पिटाएगा तो अब इस उम्र में पिटाएगा? नहीं ना, हमरा बाबू इन्हीं के एगो लड़के भइल है, बदमाशी करता है सब लड़कवा सब ना, तो हमको थोड़ा भी लड़कों पे ना वो नहीं होता, मन करता है इसकी घर वाले कहाँ है सब, इतना नौटंकी करेगा सब, कुछ तुर देगा सब, कहीं कूदेगा, कुछ करेगा, यहाँ वहाँ एक से एक नौटंकी करने लगेगा जिसका कोई हद नहीं। अरे कम से कम बोलो उसको, छोटा लड़का को, तुम लोग लड़की लोग इसी समय ज्यादा ध्यान देना लोग, लड़का लोग भी समझना क्या कि नहीं, मान के चलिए एक साल में तो कुछ नहीं, ये जो 5 साल वाला होता है ना जीत करेगा, हम ये कहेंगे लो अगर वो जीत कर रहा, हम ये कहेंगे, एक नॉर्मल चीज होता है, बट उसको उसी समय आदत दिलाइए कि जो चीज तुम चाहोगे जरूरी नहीं कि जिंदगी में मिल ही जाए, लेकिन ना इतना दिमाग थोड़ी होता है कि आप उसको 40 साल आगे तक का सोच सकते हैं। उसको मन किया आइसक्रीम खाने का, दिला दीजिए आइसक्रीम, उसको मन करेगा चॉकलेट खाने का, दिला दीजिए चॉकलेट। उसी तरह बड़ा होगा, उसका मन करेगा एग्जाम में जाए, फेल हो गया लटक के चल गया, मेरे को एग्जाम में नहीं हुआ, चल गया। इसके लिए दिमाग चाहिए होता है, समझ में आएगा? आप जानबूझ के अगर वो आज मांग रहे हैं ना हम आइसक्रीम खाएंगे, बहाना करके इधर उधर कर दीजिए, अब उसको 2 दिन टाल दो, कोई काम दे दो कि बाबू ये वाला काम कर लोगे ना तो हम आइसक्रीम दिला देंगे, धीरे धीरे वो समझ जाएगा जो चीज़ हमें चाहिए वो नहीं मिलेगा आज। अच्छा अगर उसे चाहिए भी तो हमें कुछ करके देना होगा, धीरे 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 उसका माइंड सेट हो जाएगा, तब समझ में आएगा कि दुनिया में कितना तकलीफ है वहाँ पे। लेकिन ना हमारा बाबू अचरा में छिपा लेते तो रह जाए, तहस नहस हो जाती है जिंदगी आजकल लड़कों की। एगो तो आजकल की महिला सब का लड़का पेट में हुआ कि नहीं कि अब काम नहीं करेगी, लग रहा है एहसान कर रही है। हाँ अरे इतना आजकल ये ट्रेंड बन चुका है यहाँ पे, और ना आप मतलब उस समझ में नहीं आ रहा है, वो महिला अपने बच्चे को अपने पेट से ही बर्बाद करते जा रही है वहाँ। अरे काम दाम करिएगा, उसको उसको पहले से थोड़ा सा मजबूत रहेगा, स्वस्थ रहेगा, लेकिन ना ऐसा लग रहा है ना कि ये गर्भवती नहीं हुए, ऐसा लग रहा है जैसे कोई विलुप्त प्राय जाति को है ये जन्म देने वाली है, इनकी रक्षा जरूरी है, इनको भारत सरकार राष्ट्रीय 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 उद्यान में रख दे, वन्य जीव अभ्यारण्य में इनको रख दे, मानव का प्रवेश वर्जित कर दे। अरे दिक्कत होगा भैया, विलुप्त प्रजाति को जन्म देने वाली है, ससुरा नौटंकी इतना है, पता नहीं कौन चीज कमवा करने में भागल जाता है। हाँ मोबाइल, अच्छा मोबाइल वो चले लिया के बाद कुछ सीख लेते खाना वाना बना के, वो नहीं ना ना उसमें सीखेगा कौन चीज, नया ठोड़ रंगने वाला कौन चीज आया है। आप लोग इस सब चीज पे ध्यान दीजिएगा, आगे जाके इतना पछताइएगा ना, इतना पछताइएगा जिसका कोई हद नहीं। एक बांस जो होता है ना, जब वो बच्चा रहता है तो जहां मोड़ सकते हैं, लेकिन जिस दिन बड़ा होकर बांस बन गया ना, कभी नहीं मुड़ेगा, कभी नहीं मुड़ने वाला है। इतना उठपटांग आजकल हम देखते हैं जिसका कोई हद नहीं। ये सब लड़की लोग इस सब पे ध्यान दीजिएगा, वरना एक दिन ऐसा पछताइएगा लोग जिसका कोई हद नहीं। देखते होंगे ना कभी कोई ऐसे कहते हैं हमारा बेटा बहुत अच्छा था, बहू आई ऐसा न सिखाई हमको लात मार दिया। अच्छा वो तो तुम्हारा कोई नहीं थी, बहू दूसरे के घर से आई थी, तुम्हारा बेटवा में क्या कमी रह गया था? नहीं समझा, बचपन से उसको एकदम कंट्रोल करके रहिएगा ना, तब ध्यान से वो रहेगा। यहाँ पे बहू का हिम्मत नहीं है बेटवा से कह सके कि सास को साइड कर दो, पता है कि इसके जिंदगी में इसकी माँ का कितना अहमियत है। नहीं समझा, आप खुद से सोच के देखिए, अगर आपसे कोई कहेगा खुद से सोच के देखिए, क्या भारत में किसी का हिम्मत होगा आपसे कहे कि भारत का झंडा फेंक दो? उसको पता है कि अगर हम इसको बोले ऑइस मार मारेगा ना, ऑइस मार मारेगा जिसका कोई हद नहीं। क्यों? क्योंकि आपके दिल में उसने अहमियत देखी है भारत का मतलब क्या है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसी तरह
एक माँ को भी सोचना चाहिए कि बेटा के दिल में इतना अहमियत रख दे कि वो दहल जाए बोलने से पहले, रे बाप रे बाप, ही तो आज ही हमारा व्यवस्था करेगा, यहाँ पे टकला उकला कर देगा एक ओर से कहेगा तुम हमको ऐसे ही सुंदर लगती, एक ओर से टकला कर देते जा नहीं समझ आ गया, फिर अजीब लगेगी चंडाल तुम बोले थे कि मम्मी इसको वैल्यू मत दो, ससुरा हमारा बाल छीन दिया ये समय होता है परवरिश का। आजकल के बच्चों को ना वहां के माँ बाप उसको बचपन से ही बिगाड़ दे रहे हैं, हमरे बाबू को मत मारो, बाबू को मत मारो, यहाँ पे जानबूझ के हमेशा याद रखे। देखिए एक छोटा उम्र है तो कुछ दिला दीजिए, लेकिन उसको हमेशा कोशिश कीजिए, मतलब उसको दिमाग में उसको आभास होना चाहिए बचपन से कि वो जो मांगना चाहेगा वो जरूरी नहीं कि वो उसे मिल जाए, उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा।